फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड के बाद हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा रात को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने उसके परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि निकिता की हत्या के आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह हत्याकांड शासन प्रशासन की नाकामी का उदाहरण है। भाजपा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। इसके बाद जब शैलजा लौटने लगी तो कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए। शुक्रवार सुबह इस मसले को लेकर निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने एक वीडियो के जरिए लोगों को राजनीति नहीं करने की अपील की है। बल्लभगढ़ की बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर, जिसका बीते दिनों अपहरण की कोशिश में नाकामी के बाद मर्डर कर दिया गया। बताते चले कि बीती 26 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में पेपर देकर लौट रही बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा 21 साल की निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप नू से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद के चचेरे भाई तौसीफ पर लगे हैं। तौसीफ के दोस्त रेहान और एक मददगार अजरुद्दीन इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर एसआईटी जांच कर रही है। वहीं सरकार ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल तौसीफ निकिता से शादी करना चाहता था, इसलिए वह कॉलेज के बाहर निकिता को ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही निकिता कॉलेज से बाहर आई, तौसीफ उसे जबरन कार में बिठाने लगा, लेकिन निकिता ने इनकार कर दिया और जैसे ही विरोध किया तो तौसीफ ने उसे गोली मार दी। कांग्रेस की हरियाणा अध्यक्ष कुमारी शैलजा निकिता तोमर के परिवार से मिलने पहुंची थी। मीडिया के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि आरोपी का कांग्रेस से कोई कनेक्शन नहीं है, भाजपाई केवल अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के झूठा प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करती है और हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। शैलजा ने सरकार से पीड़िता के भाई को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने की भी मांग उठाई। उधर नूह के कांग्रेस विधायक आफताब अहमद पहले से ही इस मामले से कोई संबंध नहीं होने की बात कह चुके हैं। तो कुमारी शैलजा जी आई थी, उनके साथ कुछ अभद्रता हुई है, तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया यहाँ पे राजनीति ना करें, और अगर कोई राजनीति सोच के साथ आता है तो मैं हाथ जोड़ के विनती है कि ना आए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, मुझे न्याय दिलाने में मेरा साथ दें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।